साल 1989 के उस रोज विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास का ऐलान कर दिया था। इस शिलान्यास के कार्यक्रम के लिए 9 नवंबर 1989 की तारीख तय की गई थी। लेकिन इस घटना के रोज अयोध्या में क्या होगा, इसकी रूपरेखा इस दिन से 4 महीने पहले ही बनने लगी थी। अयोध्या में राम मंदिर के उस पहले शिलान्यास की कहानी शुरू हो उससे पहले उस पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है जिसमें एक शख्स ने अपने विचार से राम मंदिर को राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया। ये बात बतानी दिलचस्प है कि देश के भावनात्मक ज्वार के बावजूद उस वक्त की उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार अयोध्या का शिलान्यास रोकने के लिए कोर्ट में चली गई थी। इस बात को भी समझना जरूरी है कि कांग्रेस का एक नेता ऐसा भी था जिसने कहा था कि अगर शिलान्यास हुआ तो पहला फावड़ा मेरी पीठ पर चलेगा। विश्व हिंदू परिषद की योजना के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास जिस जगह पर होना था वो मंदिर का सिंह द्वार थी। वीएचपी ने मंदिर निर्माण के लिए एक पूरा मॉडल बनाया था। इस मॉडल में प्रस्तावित मंदिर का गर्भगृह उसी स्थान को माना गया था जहां पर उस वक्त बाबरी मस्जिद का मुख्य गुंबद स्थित था। तमाम मुस्लिम संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई थी। बाबरी के इस मुख्य गुंबद से कुल 192 मीटर दूर शिलान्यास का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया था। प्रस्तावित मंदिर मॉडल के मुताबिक राम मंदिर को 132 फीट ऊंचा 270 फीट लंबा बनाने की योजना थी। इस योजना के अनुसार अगर यूपी सरकार शिलान्यास की अनुमति देती तो वो हिस्सा भी मंदिर के लिए माना जाता जहां पर उस वक्त मस्जिद थी। दूसरी ओर वीएचपी की ओर से शिलान्यास की तैयारी की जा रही थी। इस योजना के मुख्य कर्ता धर्ता लोगों में अशोक सिंघल, महंत अवेदनाथ, महंत नित्य गोपाल दास, पूर्व डीजी श्रीशचंद दीक्षित, दाऊ दयाल खन्ना और सुरेंद्र गुप्ता के नाम शामिल थे। शिलान्यास से पहले आरएसएस के प्रचारक मोरोपंत पिंगले ने एक योजना बनाई। मोरोपंत पिंगले का सुझाव था कि देश भर में वीएचपी की ओर से हर गांव के मंदिर में शिला पूजन समारोह का आयोजन हो, जिन शिलाओं की पूजा की जाए वो उस गांव की ही मिट्टी से बनी हो। संघ की योजना के तहत हिमाचल से लेकर केरल तक गांव गांव में एक एक ईंट को रामशिला के नाम से पूजा जाने लगा। गांव के लोग इस ईंट का निर्माण करते, इसकी पूजा करते और 125 रुपए का दान करते। शिला पूजन के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए 30 सितंबर 1989 का दिन तय किया गया था। इस रोज शारदीय नवरात्र की परिस्थापना थी। विश्व हिंदू परिषद ने नारा दिया, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। अयोध्या के राम मंदिर के लिए इन शिलाओं को लाया जाना था। शिलाओं को मंदिर के प्रस्तावित निर्माण में इस्तेमाल करने की बात कही गई थी। इस शिला पूजन और शिलान्यास के लिए देश भर में भावनाएं उमड़ने लगी। वीएचपी का प्रसार बढ़ने लगा और देश के गांवों में राम मंदिर के शिला पूजन की तैयारी शुरू हो गई। वीएचपी ने पूरे देश को 22 राज्यों और 11 क्षेत्रों में बांट दिया। सभी शिलाओं को 5 नवंबर तक अयोध्या लाने की योजना बनी और रास्तों का निर्धारण कर दिया गया। दक्षिण भारत से आने वाली सारी शिलाओं को झांसी और इलाहाबाद होते हुए अयोध्या लाने की बात कही गई। वहीं उत्तर भारतीय राज्यों की शिला को मुरादाबाद, बरेली और मेरठ के रास्ते अयोध्या लाया जा रहा था। शिला पूजन के लिए जिस ईंट की पूजा हो रही थी वो गांव की स्थानीय मिट्टी से भरा था। इसे लाल कपड़े में बांधकर ट्रक पर रखा गया। ट्रक को जिला मुख्यालय और राज्य मुख्यालय होते हुए अयोध्या लाने का फैसला किया गया। वीएचपी की इस तमाम योजना के बीच सीएम नारायण दत्त तिवारी और कांग्रेस के कई नेता शिलान्यास कराने को राजी नहीं थे। विरोध करने वालों में कमलापति त्रिपाठी जैसे वरिष्ठ नेता थे जो इंदिरा गांधी सरकार में बेहद बड़े पदों पर रहे थे। सितंबर में होने वाले शिला पूजन समारोह के बाद शिलान्यास राष्ट्रीय आंदोलन बन जाएगा, ये बात सभी जानते थे। इसे रोकने के लिए सीएम नारायण दत्त तिवारी ने एक योजना बनाई। यूपी की सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में वीएचपी के फैसले को चुनौती दी
और कहा कि शिलान्यास का कार्यक्रम और शिला पूजन समारोहों पर रोक लगाने का आदेश दिया जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने सरकार की अपील खारिज कर दी और अयोध्या के विवादित ढांचे की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। नारायण दत्त तिवारी एक उहापोह में थे, शिलान्यास की इजाजत दी जाए या ना दी जाए, सरकार इस फैसले को लेकर असमंजस में थी। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कमलापति त्रिपाठी थे, जिन्होंने ये तक कह दिया कि अगर अयोध्या में शिलान्यास की इजाजत दी जाती है तो जमीन खोदने से पहले पहला पावड़ा उनकी पीठ पर चलेगा। तमाम अदालती दावपेच के बीच देश भर से 25,000 शिलाओं को अयोध्या लाने का कार्यक्रम शुरू हो गया। करोड़ों लोगों ने अपने गांव में शिला पूजन किया और राम मंदिर से अपनी भावनाएं जोड़ ली। सरकार की कोशिश थी कि शिलान्यास ऐसे स्थान पर हो जिससे मस्जिद का कोई हिस्सा प्रभावित ना हो। कांग्रेस को शायद डर था कि अगर मंदिर का शिलान्यास हुआ तो मुस्लिम वोटर उससे खिसक जाएगा। इस काम के लिए अदालतों का सहारा भी लिया गया, लेकिन इससे पहले ही राजीव गांधी ने खुद कमान संभाल ली, जो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी ने अपनी सरकार के गृह मंत्री बूटा सिंह को नारायण दत्त तिवारी को समझाने के लिए भेजा। कहा जाता है कि बूटा सिंह के समझाने के बाद ही नारायण दत्त तिवारी ने अयोध्या के डीएम से एक हलफनामा दलवाया और उसके बाद शिलान्यास की इजाज़त मिल गई। नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने यह भी फैसला किया कि जिन शिलाओं को देश के तमाम हिस्सों से लाया जा रहा है उनके काफिले को कहीं पर भी रोका ना जाए। कहा जाता है कि नारायण दत्त तिवारी के इस फैसले के पीछे राजीव गांधी थे, जिन्हें शिलान्यास कराने का आदेश सिद्ध संत देवराहा बाबा से मिला था। देवराहा बाबा एक सिद्ध संत थे जिनकी शिष्या खुद इंदिरा गांधी रह चुकी थी। देवराहा बाबा के आदेश के बाद ही राजीव गांधी ने बीएसएफ के विशेष विमान से बूटा सिंह को नारायण दत्त तिवारी से मिलने भेजा और उनके समझाने पर ही तिवारी शिलान्यास की अनुमति और व्यवस्था करने के लिए राजी हो गए।